स्वागत है आपका यूनिट फ्रेंड्स को। जी देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को वॉइस चैप्टर में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में इम्परेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक कोशिश कीजिएगा देखने का। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इम्परेटिव सेंटेंस से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग को इम्परेटिव सेंटेंस से जितने भी रूल हैं उन सभी रूल को इसमें हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। तो आप प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो है, जैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इम्परेटिव सेंटेंस का, इसमें जो होता है वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो इसमें जो है कभी इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो ये आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस का रहेगा स्ट्रक्चर। तो इसमें जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब का जो पोजिशन होता है, इसमें आपको या तो ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर का को रिप्रेजेंट करेगा, या आपको ये एडवाइस का एडवाइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिक्वेस्ट को भी कर सकता है, रिक्वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको जो है वर्ब का जो यूज़ है, ये वर्ब जो है या तो कभी ऑर्डर पे आएगा, या आपका एडवाइस पे, या आपका रिक्वेस्ट पे, या कमांड पे, ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे ऑर्डर पे, ठीक है। यानी जब हमारा सेंटेंस इम्परेटिव में रहेगा और ऑर्डर से वो क्वेश्चन करेगा, तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे उस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, और ऐसे ही आगे चल के सभी सेंटेंसेस को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते चलिए। जैसे हम लोग ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर का कंसेप्ट दिया गया है, एक नंबर देखते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर देखिए, ये जब ऑर्डर रहेगा, तो ऑर्डर को आप लोग को पता है कि जब सेंटेंस हमारा ऑर्डर का रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब ऑर्डर का रहेगा तो इसमें सिर्फ वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, और वर्ब का जो पोजीशन होगा ये आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, लेट प्लस, लेट प्लस जो ये अदर वर्ड है, ये लेट, आप देखिए लेट जो है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये अदर वर्ड जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस, उसके बाद इस वर्ब को जो है ना, इस वर्ब को उठा के लाइए यहाँ पर, तो ये किस रूप में आएगा जी, तो V3 में आएगा, ठीक है। तो जब आपका सेंटेंस ऑर्डर का होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से हम उसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा ओपन द डोर, ठीक है जी। तो ये ओपन द डोर जो है, ये आपको ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया, जिसमें ये जो है आपका वर्ब है और ये आपका अदर वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, इसको जब हम लोग बनाएंगे ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, तो लेट हो जाएगा, लेट के बाद द डोर हो गया, लेट द डोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी का प्रयोग करके इस ओपन का V3 क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाएंगे। तो जब भी आपका सेंटेंस इंपरेटिव कर रहे हैं और उसमें आपको ऑर्डर से दे, तो उसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से आप बनाइए, ठीक है। लेकिन जब आपका सेंटेंस इंपरेटिव का दे और उसमें अगर निगेटिव दे दे, ठीक है, उसमें अगर निगेटिव दे दे, निगेटिव मतलब नॉट दे दे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर निगेटिव दे देता है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे दिया जाएगा, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे टू नंबर, जैसे यहाँ पे दिया ऑर्डर का ही ये सेंटेंस, लेकिन इसमें जैसे दे देगा डोंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे देगा डोंट, डोंट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो जब ये चीज़ें डोंट से रहेंगी तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे लेट प्लस, लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट बी, नॉट प्लस बी प्लस, और उसके बाद वर्ब का थ्री रूप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा डोंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे दिया डोंट ओपन, डोंट ओपन द क्या हो जाएगा जी, डोर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ जो डोंट दिया ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इम्परेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। उसी तरीका से ये वर्ब है और ये आपका अदर वर्ड है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, तो डोंट ओपन द डोर को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर लेट से ही बनाएंगे इसको, तो लेट के बाद द डोर हो जाएगा, लेट द डोर, लेट द डोर, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट बी, और उसके बाद वर्ब इसका थ्री कर लेंगे ओपेंड का, तो ये ओपेंड
हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम नेगेटिव इम्परेटिव को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद जो है, अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ ऑर्डर का दे, अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ ऑर्डर का दे तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि उसमें वर्ब नहीं हो, सॉरी उसमें सिर्फ ऑर्डर हो, ठीक है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया जैसे हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप, तो जैसे ये स्टैंड अप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया तो इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए जब भी कोई आदमी कोई पर्सन को बोलता है स्टैंड अप तो उसके लिए वो यू बनता है, ठीक है। तो वो उसके लिए यू बनेगा तो उसमें अपने से कुछ वर्ड को जोड़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्डों को, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा वर्ड को हम क्या करेंगे, तो जब आपका सेंटेंस से ऐसा देगा सिर्फ, देखिए यहाँ पे जैसे ऑर्डर का हम लोग देखिए, एडवाइस का देखिए, अब सिर्फ जब आपको यहाँ पे ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया तो यहाँ पे जब आपको सिर्फ वर्ब दिया, ठीक है, तो इसमें जैसे आपको जब ऐसे देगा क्वेश्चन की, जैसे मान लीजिए कि स्टैंड अप दे दिया, क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं, जैसे स्टैंड अप दे दिया, तो स्टैंड अप दिया तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे। तो जब आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले स्टैंड अप, या आपको कॉम मिल जाए, ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो उसके लिए जब आपको यहाँ पे सिर्फ आपको कॉम दे दिया या गो दे दिया या स्टैंड अप दे दिया, तो उसको हम क्या करते हैं कि अपने से एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ते हैं, जैसे कि यहां पे हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो स्टैंड अप, तो इसको जब हम बनाइएगा तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, तब क्या हो जाएगा जी, स्टैंड अप हो जाएगा, स्टैंड अप। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम एक्टिव टू पैसिव में बदल सकते हैं आसानी से। उसी तरीके से अगर कॉम दे दिया तो इसको भी हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, तब क्या हो जाएगा जी, कॉम। तो जब आपका सेंटेंस ऑर्डर से रहे और इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो उसको यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस अदर वर्ड से बनाएंगे। लेकिन जब आपका सेंटेंस एडवाइज कर रहे हैं, तो एडवाइज कर रहे हैं तो भी उसमें आप क्या कीजिएगा, तो उसमें आप अपने से यू आर एडवाइज टू प्लस अदर वर्ड से उसको बनाइएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे देगा यहाँ पे वर्क हार्ड, क्या दिया जी, वर्क हार्ड, तो इस वर्क हार्ड जो है कड़ी मेहनत करो, तो इसमें जो है एडवाइज आया, तो इसको जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो क्या बनेगा, यू आर एडवाइज टू, और तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क हार्ड हो जाएगा, ठीक है, वर्क हार्ड। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ऑर्डर पे देखें, इतने जो इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आप लोग को लेट का कंसेप्ट हम लेकर के आ रहे हैं, इस चीज़ को एक बार देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे लेट का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग लेट के बारे में जानेंगे। देखिए लेट अपनी बात जो है ये ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जानेंगे एक एक स्ट्रक्चर करके, जैसे कि लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट मिले और ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड मिले, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे देते हैं लेट अस डांस, ठीक है, लेटेस्ट डांस। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो उसको यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लेट के बाद ईगो ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद अदर वर्ड मिलेगा ना, तो उसको क्या कीजिए, आप अपने से इट इज़ सजेस्टेड का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए जी, तो इट इज़ सजेस्टेड डैट, उसके बाद क्या प्रयोग कर लीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट में बदल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे शुड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है अदर वर्ड उसका प्रयोग कर लीजिए, इस तरीका से हम बना पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि लेटेस्ट डांस, तो इसको जब बनाइएगा इट इज़ सजेस्टेड डैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड डैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वी शुड, तब क्या हो जाएगा जी, डांस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लेट के
क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर पाते हैं। अब देखिए, अगर आपको लेट से ही क्वेश्चन दे लेकिन उसमें डबल ऑब्जेक्ट दे दे तो उसको कैसे आप बनाइएगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे लेट प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर वन दे दिया और फिर यहाँ पे वर्ब दे दिया, फिर आपको ऑब्जेक्ट नंबर टू दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए देखिए आपको लेट जो है इस लेट को यूज़ करना पड़ेगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू को उठा लाएंगे इधर, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर टू हुआ। ऑब्जेक्ट नंबर टू प्लस बी प्लस वर्ब जो है ये वी वन, इसको वी थ्री में कर लीजिए। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करके ये ऑब्जेक्ट नंबर वन है जो उधर जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर वन में ही लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से जब आपको लेट से क्वेश्चन करें और उसमें डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसको इस तरीका से हम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि लेट 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 अस, उसके बाद प्ले प्ले ए फुटबॉल, ठीक है, प्ले ए फुटबॉल। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे लेट का प्रयोग कीजिए, ये आपका एक्टिव वॉइस है एंड ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो लेट ए फुटबॉल इधर आएगा ना जी, तो लेट ए फुटबॉल, लेट ए फुटबॉल बी, तब क्या हो जाएगा, प्लेड बाई, प्लेड बाई, तब ये आपका अस जो है उधर जाएगा, तो अस से लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको लेट का लेट में डबल ऑब्जेक्ट मिले तो उसको आप इस तरीका से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अब चलिए, अगर आपका सेंटेंस यहाँ पे दे दिया रिक्वेस्ट से, किससे जी, तो रिक्वेस्ट से तो इसको आप कैसे बना पाइएगा, ठीक है। तो जब भी रिक्वेस्ट दे देगा तो उसमें क्या रहेगा, प्लीज़ या काइंडली रहेगा, प्लीज़ या काइंडली रहेगा। तो जब भी आपको प्लीज़ या काइंडली दे आपको एक्टिव वॉइस में और उसके बाद कोई अदर वर्ड को जोड़ दे, यानी प्लीज़ या काइंडली के बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड को जोड़ दे, तो इस प्लीज़ काइंडली को हटाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे प्लीज़ काइंडली को हटाने के लिए अपने से प्रयोग कीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके हम इन चीज़ों को बना पाएंगे, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके हम इनको बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि प्लीज़ गिव मी ए पेन, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये प्लीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तब क्या हो जाएगा जी, गिव मी ए पेन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया काइंडली यहाँ पे काइंडली हेल्प द पुअर, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ काइंडली या प्लीज़ दिया हो तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, तो हेल्प द पुअर का प्रयोग करके इन चीज़ों को हम बना पाएंगे। तो जब भी आपको सेंटेंस प्लीज़ काइंडली से देता है तो उसको आप क्या कीजिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस अदर वर्ड से उसको बनाइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इंपरेटिव सेंटेंस को क्लियर किए। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाइएगा। और देखिए इसके बाद जैसे और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो टू इंपरेटिव का है, तो उन सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है वॉइस सॉफ्टवेयर का, जो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वॉइस का कंप्लीट वीडियो हम इस चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं और नरेशन का भी कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप कोशिश कीजिए इन सभी वीडियो को देखने का, जिससे आपके एग्जाम में अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, तो इन टॉपिक को हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिए हैं कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो आप जाइए उन चीज़ों को देखिए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। और देखिए नरेशन का भी वीडियो जो है कंप्लीट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसको भी एक बार देखने के प्रयास कीजिए और पूरा 100% बढ़िया से समझ में आएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और देखिए ऐसे ही अगर आपको जो है बेहतर रूप से तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पर नए व्यूवर्स होंगे तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।